नेपाल दौरे पर गए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी के सम्मान में पतंजलि योग पीठ नेपाल की ओर से गत 12 नवंबर को नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। श्री गडकरी जी के समारोह स्थल पर पहुंचने पर ढोल मंजीरे के साथ साथ फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री श्री माधव कुमार नेपाल, माननीय मंत्री श्री बिमलेंद्र निधि, माननीय मंत्री श्री एनपी सौद, माननीय मंत्री श्री लाल बाबू पंडित, पूर्व मंत्री श्री दीनानाथ शर्मा, पूर्व मंत्री श्री सुरेश मल, प्रधानमंत्री की सलाहकार श्रीमती मृदुला कोइराला, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री शिवहरि मरहत्ता व एनआरएनए के पूर्वाध्यक्ष व समाजसेवी श्री उपेंद्र महतो ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मंच पर पतंजलि योग पीठ नेपाल के ट्रस्टी इंजीनियर श्री शालिग्राम सिंह जी ने श्री नितिन गडकरी जी को रुद्राक्ष की माला व शॉल पहनाकर सम्मानित किया तथा सम्मान पत्र भेंट किया। अवसर पर श्री गडकरी जी की धर्मपत्नी एवं पुत्री को भी सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं पतंजलि योग पीठ नेपाल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य मुख्य अंश। ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड सिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री नितिन गडकरी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। हमी यहाँ योग भूमि में स्वागत करद। मैडम गडकरी जी बहुत स्वागत है। भन्दै हाम्रो समयसँग समय एकदम कमती भएको हुनाले मैले धेरै बोल्न सकिन। म धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय ट्रस्टी जी शालिग्राम ज्यूलाई, एकदमै पीडा लिएर यो कार्यक्रम सफल बनाउनका लागि हामीलाई धेरै सहयोग धेरै निर्देशनहरू दिनुभएको छ। सम्पूर्ण दाताहरू पतंजलि योग समिति नेपालका सदस्यज्यूहरूलाई र योग शिक्षक शिक्षिकाहरू यत्रो भव्यतापूर्वक यहाँहरू आएर यो कार्यक्रम सफल बनाइदिनु भएकोमा मेरो ओमको नमन। ओम सत्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति। भाषा धर्म संस्कृति सभी शाला।
एवं आत्मीय योग प्रेमी साथीहरु, सबभन्दा पहिला हाम्रो देश रातो दिन नमानिकन लागिराख्नु भएकोमा त्यसमा म धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र हाम्रो देशलाई धनी बनाए पछाडि मात्रै हाम्रो इज्जत बढ्छ भन्ने कुरा प्रत्येक नेपालीले महसुस गरिसकेको हुनाले, र माननीय मन्त्रीज्यू नितिन गडकरीजीको हिजोको भनाइबाट मैले के बुझेँ भने, राम्रो काम गर्न र हामी देश बनायो भनेदेखि हाम्रा मित्रहरू खुसी नै हुन्छन्, हामीलाई रोक्दैनन्, र रोक्ने मान्छेहरू धेरै कम भएको हुनाले तपाईँहरूलाई आफ्नो भित्रबाट एउटा आत्मविश्वास लिएर देशलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने भावना लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। देश राम्रो हुन्छ र प्रत्येक व्यक्तिले सम्मानित हुन्छ भन्ने विश्वास लिँदै नेपालका ब्युरोक्रेटहरूलाई तपाईँहरूले गर्नुहोस्, तपाईँहरूको साथ दिन हामी पनि छौँ र तपाईँहरूको साथ दिन तपाईँका नेपाली जनताहरू छन् भन्ने म विश्वास गरेर अगाडि बढ्नु हो भने तपाईँहरूको देश छिटै समृद्ध देश हुन्छ भन्ने उहाँले विश्वास लिएर यहाँबाट जाओस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। र हाम्रो देश हामी देश बनाउँछौँ भन्ने भावनाले तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, सबैजनाको साथ हुन्छ। श्री शालिग्राम सिंहजी, माननीय मन्त्री नितिन जयराम गडकरीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालजी, खुसी लागेको छ यो पतञ्जलि योगपीठले हाम्रो अतिथि नितिन गडकरीजीलाई यहाँ अभिनन्दन गर्नुभएको छ। पतञ्जलि योगपीठको र नितिन गडकरीज्यूको उहाँहरूको एउटा पुरानो सम्बन्ध पनि छ। म यहाँ योभन्दा पहिले पनि आएको थिएँ एकचोटि, मोदीजी जब प्रधानमन्त्री भन्नुभयो पतञ्जलि योगपीठले मोदीजीको प्रधानमन्त्री बनिसकेको सन्दर्भमा एउटा स्वागत र सम्मानको कार्यक्रम यहाँ गर्नुभएको थियो, त्यसमा पनि म भाग लिएको थिएँ। भारत सरकारको र भारतीय जनताको नेपालमा धेरै पुरानोदेखि सहयोग हुँदै आइरहेको छ र भविष्यमा हुँदै रहनेछ। नेपाल र भारतको सम्बन्ध सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक यो परिभाषा नै गएर नसकिने खालको सम्बन्ध नेपाल र भारतको बिचमा छ, विशिष्ट सम्बन्ध हो र यो सम्बन्ध निरन्तर सुदृढ र नेपाल र भारतको बिचमा शान्ति र समृद्धिको लागि हामी एकअर्काको लागि काम गरिरहनेछौँ भन्ने विश्वास छ। नितिन गडकरीजीको जुन प्रयोग हो भारतमा खास गरेर पूर्वाधारको विकासको सन्दर्भमा त्यो चर्चित छ। अहिले पूर्वाधार सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हामीले यहाँ आयोजन गरिरहेको छौँ नेपाल सरकार र सिएनआईको संयुक्त प्रयासमा, त्यसमा उहाँ किनोट स्पिकरको रूपमा आउनुभएको थियो भने उहाँको आफ्नै जीवनको अनुभवबाट उहाँले दिनुभएको सन्देश ज्यादै अनुकरणीय छ। म तपाईँलाई फेरि स्वागत गर्दै म आफ्नो दुई शब्द टोहाउन चाहन्छु। शालिग्रामजीलाई र पतञ्जलि योगपीठलाई यो कार्यक्रम उहाँको सम्मानमा आयोजन गर्नुभएकोमा उहाँ पनि धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद, जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद माननीय मन्त्रीज्यू। र हाम्रो देशमा आउनुभएका हाम्रा पाहुना मन्त्री नितिन गडकरीजी, नेपाल सरकारका मन्त्रीज्यूहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू, उपेन्द्र महतोजी र उपस्थित विशिष्ट र सम्मानित महानुभावहरू र पतञ्जलि योगपीठका सबै गुरुहरू र शिष्य शिष्यहरू, म पनि तपाईँहरूको आवाजमा यो दोस्रो पटक यस परिसरमा आएको छु को क्षेत्रमा उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै, र खास गरिकन स्वामी रामदेव र त्यसै गरी हामी सबैका पूज्य आचार्य बालकृष्णजीको सान्निध्यतामा रहेर उहाँले जुन योगदान पुर्याउनु भएको छ त्यसको निम्ति आज उहाँलाई अभिनन्दन गरिएको छ। र म ठान्दछु कि हिमेरी योर एक्सलेन्सी द मिनिस्टर अफ इन्डिया नितिन गडकरी मे हेभ बिन एक्साइटेड टु सी द्याट देयर इज वार्मथ अफ लभ एन्ड रेस्पेक्ट फर मिनिस्टर नितिन गडकरी। सो आई ग्लाड टु वेलकम यु इट, आई वान्ट टु शो द रेस्पेक्ट on behalf of the people of Nepal to you and towards the people of India. Aaja wahasanga pani samay chaina, wahale turuntai aile janu parne cha 12:30 baje, masanga pani samay chaina, maile pani arko samay 12:30 baje pugnu parne cha,
त्यसमा धेरै कुराहरू योगाका कुराहरू देश विकासका कुराहरू हामी गरौँला। साँच्चै हामी सबैमा डेडिकेसन चाहिन्छ, साधना सिक्नुपर्ने एउटा कुरा योगाबाट हो त्यो साधना। त्यो साधनामा लिन भएपछि, कर्तव्य निष्ठ भएपछि, दायित्व बोधको भावना भएपछि बाधाहरू आउँछन्। कुनै एउटा कुरो हे त्यसको सामना गर्न सकिन्छ। मानवले जहिले पनि प्रकृतिसँगको लडाइँमा जित्दै आएको छ, कहिलेकाहीँ हारेको पनि छ, तर पनि हरेस खाएको छ। प्रकृतिसँग त हार खाएको छैन भने मानव जातिले सबै चुनौतीहरूको सामना गरेर अघि बढ्न सक्दछ। नेपाली जनतामा पनि त्यो खुबी, त्यो क्षमता रहेको छ, त्यसलाई हामीले देखाउन सक्नुपर्छ। म भारतीय जनता पार्टी जसको अहिले सरकार छ, हाम्रा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीको नेतृत्वमा त्यो सरकार जुन अठोटका साथ अगाडि बढिरहेको छ, र उहाँहरूले आफै पनि हिजो कसरी भारतको विकासको सन्दर्भमा, विभिन्न राज्यको विकासको सन्दर्भमा आफ्नो अनुभवहरू जुन सेयर गर्नुभएको छ, त्यो सबै पनि राम्रा कुराहरू हाम्रो निम्ति पनि उपयोगी हुन्छ। हाम्रा साकार पार्नका लागि हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। अहिले हाम्रो सामु रहेको चुनौती संविधान निर्माण गर्ने हो। नेपाली जनताको चाहना बमोजिमको लोकतान्त्रिक र प्रगति सामाजिक रूपान्तरणको दिशा बोध गर्ने संविधान निर्माण गर्ने काममा हामीले जुट्नु छ, र भाग 8 जनवरी 2022 संविधान जारी गरिसक्नुपर्नेछ। यी सबै सन्दर्भमा तपाईँहरूका शुभ गुडविल शुभेच्छाले हामीलाई अघि बढ्न अवश्य पनि प्रेरणा दिनेछ। अन्तमा फेरि पनि म नितिन गडकरीजीलाई विशेष यहाँ स्वागत गर्दै, उहाँको कार्यकाल र भारतीय जनता पार्टीको कार्यकाल सुखद होस्, सफल होस्, र हामी सबैले तपाईँहरूबाट धेरै धेरै सिक्न सकौँ। हामी आपसमा अन्तर्क्रिया गरेर एकअर्कालाई अघि बढ्नका लागि प्रेरित गर्न सकिरहौँ भन्ने भावना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सबसे पहिले म हृदय से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपने बहुत दिल से और हृदय से जो मेरा स्वागत किया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्रद्धेय रामदेव बाबा जी का मेरे ऊपर बहुत स्नेह है, और स्वाभाविक रूप से उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि आप मेरे मानस पुत्र हो, इतना प्रेम उनका मेरे ऊपर रहा है। आप सबको पता है कि भारत और नेपाल में एक बहुत बड़ा रिश्ता है, और वो रिश्ता इतना बड़ा है कि मैं यहां आने के बाद इस बात को महसूस कर रहा हूं कि मैं अपने ही देश में हूं, इतनी हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत समान है। योग विज्ञान, आयुर्वेद, ये हमारी संस्कृति और इतिहास विरासत की बहुत बड़ी देन है। और श्रद्धेय रामदेव बाबा जी ने हमारे इस योग विज्ञान को, आयुर्वेद को दुनिया के नक्शे में, अगर हम ये कहें कि दुनिया में हमारे इस योग विज्ञान और आयुर्वेद के राजदूत के रूप में उन्होंने इस विज्ञान को पूरी दुनिया में बहुत बड़ा सम्मान दिलाया, इतना बड़ा काम श्रद्धेय रामदेव बाबा जी ने किया है। और दुनिया चाहती है, पर मैं थोड़ा सा आर्थिक इकोनॉमी का अध्ययन करता हूं, हमारे देश में गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, हमारे हिंदुस्तान से बहुत से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दुनिया में गए हैं, और भारत में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है उनको बहुत बड़ी मान्यता दुनिया में है, वो वहां बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं अमेरिका के सिलिकॉन वैली में गया था, वहां भारत का सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना बड़ा गौरव की बात है। वो इंजीनियर्स देश के लिए काम करते हैं, और वहां डॉलर में पैसा कमाकर देश में बेचते हैं, और हमारी इकोनॉमी को मजबूत करते हैं। मैं रामदेव बाबा जी को हर समय कहता हूं कि इस योग विज्ञान के प्रशिक्षण के बाद आयुर्वेद और योग विज्ञान को आप दुनिया में पढ़ाने के लिए
हमारे ये योग टीचर तैयार हो जाएंगे, वो योग विज्ञान और आयुर्वेद का तो प्रचार करेंगे ही, पर लाखों भारतीय होंगे, नेपाली होंगे, इनको जीवन में रोजगार देने की ताकत आप में है, या आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा हो, और स्वाभाविक रूप से हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत से मिला हुआ यह आयुर्वेद और योग विज्ञान दुनिया के कोने तक पहुंचे। मुझे पता नहीं है, पर हमारे देश में हर साल 7,000 करोड़ रुपए रॉयल्टी के रूप में विदेशी कंपनियों को जाते हैं। कोलगेट कंपनी है, बहुत बड़ा, सुबह उठते तो लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं। बाबा जी ने मुझे दिवाली के समय प्रेजेंट किया और उसमें एक टूथपेस्ट मिली, दंत कांति में इतनी बढ़िया है कि मेरे पास मिलने के लिए कुछ अमेरिका से कुछ लोग आए थे, तो मैंने उनको कहा कि ये यूज करके देखिए, तो 2 डजन टूथपेस्ट अपने साथ अमेरिका लेकर गए और इतना खुश हो गए कि बहुत अच्छी है, शैंपू बहुत अच्छे हैं, पेस्टिसाइड केमिकल फर्टिलाइजर को छोड़कर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात बाबा जी करते हैं। मैं भी किसानों में काम करता हूं और मेरा विश्वास है कि हमारे नेपाल के वो हिंदुस्तान के किसान ये बिजली तैयार कर सकते हैं, पेट्रोल तैयार कर सकते हैं, डीजल तैयार कर सकते हैं और गैस भी तैयार कर सकते हैं। और किसी का अगर विश्वास नहीं होगा तो आप मेरे क्षेत्र में देखने के लिए आइए, आपके काठमांडू शहर को जितनी बिजली लगती है उतनी बिजली हमारे किसान, हम लोग तैयार करते हैं और वो किसान तैयार कर सकते हैं। हम बायोडीजल बना सकते हैं, इथेनॉल बना सकते हैं। हमारे भारत में 6 लाख करोड़ का इंपोर्ट है क्रूड ऑयल और पेट्रोल और गैस का, और आपके यहां भी इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप में, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है मेक इन इंडिया, वैसे मेक इन नेपाल वाली बात को अगर यहां उसी बात को अगर दोहराया जाएगा तो आपका इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और गरीबी दूर होगी। इतना सुंदर देश है, पर्वत, पहाड़, नदियां, हमारा टूरिज्म ऐसा सेक्टर है कि जिसमें 49% ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पर खर्चा होती है। टूरिज्म ऐसा सेक्टर है कि इसमें सबसे ज्यादा जो पैसा लगता है उसको हमारे यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम आगे जाना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, गरीबी दूर करना चाहते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं, देश को समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं। जो भारत चाहता है वही नेपाल चाहता है। और हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, आयुर्वेद की बात करते हैं। जब वो अमेरिका में गए तो ओबामा को मिलने के बाद उन्होंने भी उनको योग विज्ञान के बारे में, प्राणायाम के बारे में जानकारियां दी और पब्लिकली इस बात को दोहराया। ये बहुत ताकतवान है। हमारी ताकत के बारे में जितना आत्मविश्वास हम सब के मन में होना चाहिए उतना नहीं है, उसकी कमी है। और इस कमी को अगर हम सुधारेंगे, ज्ञान विज्ञान और तंत्र विज्ञान का उपयोग करेंगे, क्योंकि मैं एक बार ये बात जब कह रहा हूं, मैं युवा हूं और नए पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता हूं, एक तरफ हमको आयुर्वेद भी चाहिए, मूल्याधिष्ठित पारिवारिक जीवन पद्धति, मूल्याधिष्ठित शिक्षा पद्धति, जो संस्कारों के कारण हमारे व्यक्तित्व को, हमारे जीवन को समृद्ध और संपन्न बनाती है, ये भी हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी देन है। और भारत और नेपाल ने दोनों एक ही इतिहास, संस्कृति और विरासत के पाइक है, और इसलिए हमारे बीच में इसके बारे में कोई अंतर नहीं है। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं, बाबा जी मेरे घर पर आए थे 8-10 दिन पहले, और उनको पता चला था कि मैं नेपाल जा रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि आपको वहां जाना है, मतलब आपका आदेश है, बिल्कुल जाऊंगा। आपके काम की उन्होंने बहुत तारीफ की और मुझे कहा कि अच्छा काम कर रहे हैं, आप जरूर जाइए। मैंने बोला मैं बिल्कुल जाऊंगा और उनके कार्य को पूरी शुभकामनाएं दूंगा।
आदरणीय रामदेव बाबा जी के मार्गदर्शन में नेपाल में बहुत अच्छा कार्य शुरू है। 40,000 टीचर अभी मुझे कहा गया, मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे लगता है कि ये कार्य और आगे बढ़ता जाएगा। भारत सरकार की ओर से भी हम भारत में भी इस कार्य का लगातार समर्थन कर रहे, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और पूरी तरह से बाबा जी के साथ खड़े हैं। हरिद्वार के आश्रम के सामने हमारा नेशनल हाईवे जाता है, पुराने सरकार ने जानबूझकर वहां फ्लाईओवर कैंसिल कर दिया था। बाबा जी ने कहा, मैंने अधिकारियों को बुलाया, कहा नया फ्लाईओवर यहां बनाओ, बाबा जी के आश्रम का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हम लोग सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, जब उनकी बात को मैंने अपने अध्यक्ष के चेंबर में लिखा था कि छोटे दिल से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे दिल से कोई खड़ा नहीं होता। दिल बड़ा रखना चाहिए, अगर हमारा कोई विरोध भी करता है तो बड़े दिल से उसको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि आगे उसको ध्यान में आ जाता है कि हमारी गलती हुई है। और इसलिए जो सच्चाई है वो सत्य है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो उसको कोई नकारा नहीं सकता। जिस बात को लेकर परमादरणीय रामदेव बाबा जी के मार्गदर्शन में आप काम कर रहे हैं, इस कार्य को मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। और नेपाल की जनता से भी आह्वान करता हूं, सरकार से भी आह्वान करता हूं कि अब ऑर्गेनिक फार्मिंग फ्यूचर है, केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर अब पास्ट हो रहा है, अब आयुर्वेद, हमारी जो एलोपैथी है उससे आयुर्वेद योग विज्ञान की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। हम रिसर्च करें इसमें ताकि हम लोग दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो इसका इलाज अच्छे तरीके से कर सके। बाबा जी ने बहुत बड़ा काम किया है, सरकार की ओर से भी इसको मान्यता मिलेगी तो लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और जो एलोपैथिक मेडिसिन के कारण जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो इफेक्ट्स भी नहीं होंगे, सबका कल्याण होगा, सुखी समृद्ध संपन्न ऐसा जीवन होगा। मैं फिर से एक बार भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि नेपाल की सभी जनता को, हमारी भाई और बहनों को आने वाला समय सुख समृद्ध और संपन्नता का रहे, उनको बहुत अच्छी आयु मिले और लगातार नेपाल प्रगति और विकास की ओर आगे जाए। भारत की सरकार पूरी ताकत और शक्ति के साथ आप सब के साथ पूरी ताकत से खड़ा रहेगा, यही विश्वास व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कलयुग के अवतार विश्वविख्यात त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, रावण के लिए राम और कंस के लिए कृष्ण, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, पूजनीय, आदरणीय योग ऋषि कल्प, आयुर्वेद शिरोमणि कलयुग के धनवंतरी ऋषि कल्प, आयुर्वेदाचार्य विश्वविख्यात आदरणीय पूजनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज को के चरण कमल में सबसे पहले मैं सादर प्रणाम करना चाहता हूँ और उनसे अनुमति लेना चाहता हूँ। सबसे पहले खुशी की बात यह है कि अपनी पशुपति की पवित्र भूमि पर माननीय नितिन गडकरी जी हमारे पतंजलि योग पीठ में आकर हम लोग को जो समय देकर हम लोग को जो ऊर्जा और हौसला दिए हैं, सबसे पहले मैं उनको सादर प्रणाम करना चाहता हूँ, ओम से अभिवादन करना चाहता हूँ, ओम। उसके बाद हमारे नेपाल के सम्माननीय पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल जी, मैं माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी आकर जो भारत से लेकर नेपाल तक उन्होंने कहा कि इससे बड़ा खुलना होगा नेपाल सिटी में, काठमांडू सिटी में इतना बड़ा 18 रोपनी के कंपाउंड किसी भी सामाजिक संस्था का या इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ हूँ और मैं भी नेपाल इंजीनियरिंग काउंसिल का चेयरमैन रह चुका हूँ। अभी भी मैंने यहाँ से 30 किलोमीटर के दूरी पर हमारे 50 एकड़ जमीन में आयुर्वेद का हॉस्पिटल बनाया हूँ, आयुर्वेद कॉलेज बनाया हूँ। किसी नेपाली सरकार के, हमारी सरकार की कमी और कमजोरी से जो आज के दिन में एलोपैथी के हॉस्पिटल से भी ज्यादा नया और इक्विपमेंट है, लाइब्रेरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हम लोग कहें कि निःशुल्क वहां इलाज कराएंगे, किसी कारणवश मैं
संस्कृत विश्वविद्यालय भाई चांसलर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाने का मैं आपको अनुमति दूंगा, जबकि त्रिभुवन विश्वविद्यालय ने 6 महीना तक रखकर आज तक उसका 6 महीना तक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी MBBS कॉलेज की नहीं है, उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन उन्होंने नहीं दिया। मैं माननीय मंत्री जी से को यह जानकारी कराना चाहता हूं कि जबकि हम लोग राष्ट्र के लिए वह पीठ है, अगर हम लोग पीठ नहीं चला सके तो यह पीठ नेपाल सरकार की हो जाएगी, न शालिग्राम सिंह का होगा, न बाबा रामदेव का होगा, न बालकृष्णाचार्य का होगा। इसलिए नेपाली जनता के लिए मैं इस सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि राष्ट्र को समृद्धि के लिए, बेरोजगारी के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या करना है, हम लोग तत्पर हैं, इसलिए कृपया आप लोग भी करेंगे। भारतीय दूतावास से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आदरणीय रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, उनको नमन करना चाहता हूँ, उनका भारत ने जितना नेपाल के लिए किया, नेपाली जनता के लिए किया, नेपाल समाज के लिए किया, मुझे लगता है कि किसी दूसरा देश नहीं कर सकता है, न किया है न करेगा। भारत मेरा दोस्त नहीं है, हमारा दोस्त नहीं है, हम लोग झूठ बोलते हैं। हमारा राजनेता कहते भारत मेरा मित्र है, कब था मित्र, न आज है न कल था न रहेगा। भारत को तो हमारा रिलेटिव है, बेटी रोटी का संबंध है, जहाँ माता सीता जी का शादी अयोध्या में हुआ, ऐसे में हम लोग का दोस्त कहाँ से हुआ। इसलिए मैं भारतीय दूतावास से भी आग्रह करूंगा कि हमारे लिए भी, उस कॉलेज के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इक्विपमेंट होता है तो वह आप अगर प्रदान करेंगे तो नेपाली जनता, नेपाली समाज आपको धन्यवाद भी देगा और आप उसके लिए हम लोग तहे दिल से आपको भी नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। और आज का कार्यक्रम जो है यही विसर्जन करता हूँ, फिर आगे आगे बात यह कार्यक्रम फिर करेंगे। ओम नमस्कार।